जरा एक बार इस एड को ध्यान से देखो। क्या आपके मसूड़ों में तकलीफ है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? टूथपेस्ट में नमक? टूथपेस्ट, जिस चीज का नाम आज से 150 साल पहले तक किसी ने सुना भी नहीं था, आज उसी चीज का ग्लोबल मार्केट 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है। पर जो मजेदार बात है वो ये है कि इस 2 लाख करोड़ का करीब 40.5% ये अकेला कोलगेट के पास है। और आज दुनिया भर में शायद ही कोई ऐसा देश है जहाँ पर कोलगेट नहीं बिकता, पर बहुत ही कम ऐसे लोग है जिनको एक्चुअली में कोलगेट की कहानी पता है। यहाँ तक की एक वक्त पर तो ये कंपनी टूथपेस्ट बनाती ही नहीं थी, ये लोग कुछ और ही बनाते थे। मगर आज अगर आप देखोगे ना तो लोग दुकान पे जाकर टूथपेस्ट नहीं बल्कि कोलगेट मांगते हैं। पर कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा है क्यों? कोलगेट ने आखिर ऐसा क्या किया कि आज आपको हर एक घर के अंदर इन्हीं का टूथपेस्ट मिलेगा? और सबसे जरूरी बात कि वो कौन सी पावरफुल बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं जो हम कोलगेट से सीखकर अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओरल हाइजीन, इस चीज को मेंटेन करने का जो रिवाज है ये काफी ज्यादा पुराना है। 5000 BC में जो इजिप्शियंस होते थे ना, वो भी एक तरीके का पेस्ट ही इस्तेमाल करते थे अपने दांत साफ करने के लिए। और ये वो वक्त था जब टूथब्रश भी नहीं आया था। यहाँ तक कि एंशिएंट रोम और ग्रीक में भी लोगों के टूथपेस्ट इस्तेमाल करने के काफी सारे प्रूफ्स मिले हैं। पर इंडिया और चाइना में ये जो टूथपेस्ट का कॉन्सेप्ट है ये आता है 500 BC में। और तब के टाइम पे जो टूथपेस्ट होते थे उनका काम भी आज के टूथपेस्ट जैसा ही था, दांत को व्हाइट करना, गम्स को साफ रखना और ताकि हमारे मुंह से स्मेल ना आए। तो जिस देश में जैसे इंग्रेडिएंट्स मिलते थे लोग उसी चीज का पेस्ट या फिर पाउडर बनाकर अपने दांत साफ करते थे। पर ये सारी बातें बदलती है 1850s में जाकर, जब मार्केट में क्रीम डेंटिफाइस इस नाम से एक नए तरीके का टूथपेस्ट बनाकर बेचा जाने लगा। इसमें ना यूजुअली फ्लोराइड, कलर, स्वीटनेस, फ्लेवर्स और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालते थे जिससे कि ये पेस्ट काफी ज्यादा फोमी और बहुत ही ज्यादा स्मूथ बन पाए। एंड यही वो जगह थी जहां से इस दुनिया के मॉडर्न टूथपेस्ट इंडस्ट्री की शुरुआत होती है। मगर कोलगेट की जो कहानी है वो इस इंसिडेंट से काफी साल पहले शुरू हो चुकी थी। ये बात है साल 1806 की, जब विलियम कोलगेट नाम का एक आदमी सोप और कैंडल मैन्युफैक्चरिंग करने का एक बिजनेस सेटअप करता है। और इस बिजनेस का जो नाम है वो अपने सरनेम के ऊपर रखता है, यानी कि कोलगेट। मगर होता यूं है कि अब विलियम कोलगेट की तो साल 1857 में डेथ हो जाती है, पर इन 40 सालों में उनका जो बिजनेस है वो बहुत बड़ा बन चुका था। और इस बिजनेस का जो कंट्रोल था वो आ गया था उनके बेटे सैमुअल कोलगेट के हाथ में। पर यहीं पर ना सैमुअल कोलगेट को एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, जिस चीज को देखते हुए साल 1873 में ना कोलगेट एंड कंपनी अपना पहला एरोमेटिक टूथपेस्ट निकालती है जिनको ये लोग जार में बेचा करते थे। और देखते ही देखते बस कुछ ही वक्त में ये प्रोडक्ट पूरे US मार्केट में फैल गया। और इस वक्त तक ना कोलगेट एंड कंपनी के ऊपर समझो नोटों की बारिश होने लगी। पर कंपनी यहाँ पर रुकती नहीं है, इनफैक्ट ये लोग कुछ नया ट्राई करते हैं, जिसके बाद साल 1896 में कोलगेट रिबन डेंटल क्रीम इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करता है। और ये जो प्रोडक्ट था ना ये इस दुनिया का पहला ऐसा टूथपेस्ट था जो कि प्लास्टिक ट्यूब्स में बेचा गया। अब ये जो इनोवेशन थी ये आम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होने लगी, क्योंकि कैरी करने से लेकर इस्तेमाल करने तक ये हर चीज में कन्वीनियंट था, जिसके कारण बस देखते ही देखते कोलगेट कुछ ही वक्त में इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर बन गया। अब यहां से कंपनी फोकस करती है अपने बिजनेस को और बड़ा करने के ऊपर, जिसके लिए ये लोग साल 1928 में पाल्मोलिव पीट इस कंपनी को एक्वायर करते हैं। पाल्मोलिव ये कंपनी ना 20th सेंचुरी की बेस्ट सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। तो जाहिर सी बात थी कि इस एक्विजिशन से अब कोलगेट को बहुत फायदा होने वाला था। पर ना वक्त आ चुका था कि कोलगेट अपने आप को अमेरिका के बाहर वाले देशों में भी लेकर जाए, जिसके लिए वो लोग सबसे पहले साल 1953 में कोलगेट पाल्मोलिव पीट अपनी कंपनी के इस नाम को रीब्रांड करके कोलगेट पाल्मोलिव करते हैं। बहुत ही कम लोगों को पता है मगर जो कोलगेट है ना वो टूथपेस्ट और ओरल केयर प्रोडक्ट्स के अलावा हाउस होल्ड एंड फैब्रिक केयर, पेट न्यूट्रिशन और यहाँ तक कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के अंदर भी डील करती है। अब होता कुछ ऐसा है कि 1950s तक ना जो कोलगेट का बिजनेस है वो तो काफी जबरदस्त चल रहा था, लेकिन ना कोलगेट बस एक टूथपेस्ट कंपनी नहीं बल्कि एक ऐसी कंपनी बनना चाहती थी जिसके प्रोडक्ट्स हर गांव में, हर शहर में, हर एक छोटी बड़ी हर जगह पर एक एक घर के अंदर इस्तेमाल हो। क्योंकि उस टाइम पर ना इंडिया के अंदर कोलगेट का कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा,
था, जैसे पेप्सोडेंट जो कि मार्केट में साल 1915 में आ गया था, उसके बाद फिर सेंसोडाइन जो 1907 से ही इंडिया के अंदर काम कर रही थी। तो धीरे धीरे ना मार्केट में कोलगेट का कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा था। पर फिर कोलगेट कुछ ऐसा करती है कि एक मामूली सा टूथपेस्ट हर एक घर तक पहुंचता है। अब सबसे पहली चीज जो इन्होंने करी वो था रिकॉल वैल्यू बिल्डअप। 1950s में कॉपीराइटर एलिसिया टॉबिन्स की लिखी गई ये टैगलाइन, इट क्लीन्स योर ब्रेथ व्हाइल इट क्लीन्स योर टीथ, ये बहुत हिट होती है। जिसके बाद कोलगेट को एक्चुअली में एडवर्टाइजिंग की पावर समझ में आती है। जिसके बाद कोलगेट खूब सारे एड कैंपेन्स निकालता है, जैसे फाइट जर्म्स फॉर 12 आवर्स, व्हाट अ रिफ्रेशिंग आइडिया, क्लीन्स मोर देन जस्ट टीथ, स्माइल विद स्ट्रेंथ, सो क्लीन यू कैन फील इट। पर अभी भी एक दिक्कत थी, क्योंकि कोलगेट ने इसको जितना सिंपल समझा था ना, दरअसल ये उतना आसान नहीं था। इसीलिए फिर कोलगेट नए तरीके निकालता है। देखो कोलगेट इंडिया में लॉन्च हुआ था साल 1937 में, जिसके बाद लोगों ने चारकोल, नीम के डाल, इन सारी चीजों को छोड़कर टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना शुरू किया था। अब अपने इनिशियल डेज में ना कोलगेट ने बच्चे या फिर यंगस्टर्स के ऊपर फोकस नहीं किया, बल्कि उनका फोकस था घर के बड़े लोग। क्योंकि इंडिया में क्या है ना कि ये जो ब्रश करने की आदत है, ये आपको घर का कोई बड़ा ही लगवाता है। जैसे आपको ये आदत आपके मम्मी पापा ने डलवाई होगी, आपके मम्मी पापा को उनके मम्मी पापा ने डलवाई होगी, तो ये हम सबकी एक ऐसी हैबिट है जो हमें अपने बड़ों से पास ऑन करी गई है। तो कोलगेट को समझ में आया कि घर का जो सबसे बड़ा है ना उसको पकड़ो, बस एक बार उसको ये नीम की डाल, ये चूना वगैरह की आदत छुड़वाकर कोलगेट की आदत लगवा दी ना, तो बहुत चांसेस है कि उसकी फैमिली में आने वाले टाइम में हर कोई कोलगेट ही इस्तेमाल करेगा। और यही हुआ भी। आप खुद अपनी जिंदगी में देखो कि आप जो टूथपेस्ट यूज करते हो, बहुत हाई चांसेस है कि आपके घर में भी बाकी लोग वही टूथपेस्ट यूज करते हैं। अब ये करके ना इंडिपेंडेंस के कुछ सालों बाद तक भी कोलगेट ने बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ देखी। पर जैसे जैसे वक्त बीता चीजें बदलने लगी, क्योंकि अब ना टूथपेस्ट कोई एक आदि नहीं बल्कि हर एक घर में इस्तेमाल होने वाली चीज बन चुकी थी। प्लस मार्केट में टूथपेस्ट को आए हुए भी बहुत टाइम हो चुका था, तो यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स अपनी जगह बनाने लगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि सारे टूथपेस्ट ब्रांड्स ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं, तो ना धीरे धीरे लोगों ने इस बात के ऊपर ध्यान देना ही बंद कर दिया कि आखिर वो लोग कौन सा टूथपेस्ट खरीद के ला रहे हैं। बस लोग टूथपेस्ट ले आते थे, और ये चीज कोलगेट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जिसके बाद ना उन्होंने एक स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना शुरू किया। इस स्ट्रेटजी को कहा जाता है टेस्टिमोनियल फॉर सोशल प्रूफ। साल 1976 में सबसे पहले कोलगेट ने पकड़ा इंडियन डेंटल एसोसिएशन को, उनसे बहुत अच्छे रिलेशन बनाए और अपने इसी रिलेशन को हर जगह पर प्रमोट किया। अब इससे हुआ ये कि लोगों को ना एक अथॉरिटेटिव सोशल प्रूफ मिला कि हाँ, डेंटल एसोसिएशन के साथ काम कर रहे हैं तो ये ब्रांड अच्छा होगा, इस ब्रांड पर भरोसा करा जा सकता है। जिससे हुआ ये कि एटलीस्ट क्वालिटी वाइज तो ना कोलगेट बेस्ट है। लोगों के दिमाग में ब्रांड की एक ऐसी इमेज बनने लगी। फिर धीरे धीरे उन्होंने कंज्यूमर यानी कि आप लोगों की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करी। देखो दुनिया का कोई भी सक्सेसफुल ब्रांड ये समझता है कि जो कंज्यूमर है ना वो बेवकूफ नहीं है, तो या तो उसको बेवकूफ बना दो या फिर इतना एम्पावर कर दो कि वो हर तरफ जाकर बस आप ही की बातें करे। अब उस वक्त होता ये था कि मार्केट के अंदर टूथपेस्ट तो बहुत सारे थे, मगर हर एक टूथपेस्ट का जो टेस्ट था ना वो सबका एक ही जैसा था। इसलिए कोलगेट ने फिर अलग अलग फ्लेवर्स लॉन्च करे, जिससे एटलीस्ट जो बच्चे है ना उनको ब्रश करने में थोड़ा सा मजा आए। फ्लेवर है तो थोड़ा डिफरेंट फील होगा। इनफैक्ट इससे एक कन्वीनियंस भी बिल्ड हुई, क्योंकि जरा सोचो कि किसी एक बच्चे को ब्रश करवाने के लिए जहाँ पर उसके माँ बाप इतना ज्यादा टाइम और एनर्जी खर्च कर रहे हैं, इतनी माथा पच्ची कर रहे हैं, वहाँ पे वो बच्चा बस फ्लेवर के चक्कर में आराम से अपने आप खुद जाके ब्रश कर रहा है। अब जैसे ही पेरेंट्स ने ये देखा ना, तो उन्होंने कहा कि देखो टूथपेस्ट तो कोलगेट ही लाएंगे, कम से कम हमारा बच्चा आराम से ब्रश तो कर लेता है। पर इस चीज का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हुआ कि जो बच्चे है ना उन्होंने शुरू से बचपन से ही कोलगेट इस्तेमाल किया, तो उनको कोलगेट ही यूज करने की आदत लग गई। अब यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं, सिर्फ इस वजह से थोड़ी ना इतना बिकता है, ऐसे तो मार्केट में कई सारे ब्रांड्स हैं, तो ये कोलगेट ऐसा क्या करती है। देखो बदलते वक्त के साथ साथ हमारे इंडियन ओरल हाइजीन के अंदर जिन इंग्रेडिएंट्स का नामो निशान तक मिट गया था ना, कोलगेट उन सब को वापस लेकर आई। जिसके लिए कोलगेट ने एक थ्री वे स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया, जो आज दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स के अंदर ब्रांडिंग के लिए सिखाए जाते हैं, जिसमें पहला पिलर है ट्रस्ट। अब बात चाहे यूएस की हो या फिर इंडिया की हो, एक पुराना ब्रांड होने का फायदा कोलगेट को हमेशा से मिला है। पर दरअसल बात ये कि ब्रांड पुराना हो जाने से ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, बल्कि ट्रस्ट आता है जब बायर और सेलर इन दोनों के बीच में एक वैल्यू एक्सचेंज होती है, और ये जो वैल्यू है ये सेम होनी चाहिए उस चीज से जो कि सेलर ने बायर को प्रॉमिस करी थी सामान बेचने से पहले। जैसे फॉर एग्जांपल मैं संतरे बेचता हूँ और मैंने आपको बोला कि बहुत ज्यादा मीठे संतरे हैं मेरे पास, बहुत फ्रेश हैं, बहुत ही अमेजिंग है, आ जाओ ले लो। अब आप आए और आपने मेरे से रेट पूछा, मैंने बोला 80 रुपए किलो है, आपको सही लगा, आपने पैसे दिए और आप संतरे लेकर चले गए। मगर जब आप घर जाकर संतरा खाते हो तो संतरा खट्टा निकलता है, तो यहाँ पे मैंने आपको खराब संतरा नहीं बेचा, पर मैंने गलत ये किया कि मैंने आपको मीठा बोलकर संतरा बेचा और वो
संतरा मीठा नहीं निकला, तो यहाँ पे क्या आप अगली बार मेरे से संतरा खरीदने आओगे? नहीं। अब कोलगेट के केस में ना ब्रांड को लोगों के पास जा जाकर चिल्ला चिल्ला के उनको अपने पास नहीं बुलाना था, क्योंकि इतने सालों में जो क्वालिटी वो क्लेम करते हुए आए थे वो अभी तक वो क्वालिटी दे रहे थे। पर यहाँ पर जो बड़ा गेम है ना वो रेपुटेशन का नहीं बल्कि है एडवोकेशन का, मतलब कि लोग हमारे प्रोडक्ट से इमोशनली इस कदर अटैच हो जाए कि वो हर जगह पर जहाँ पर भी टूथपेस्ट की बात हो रही हो वहाँ पे कोलगेट के बारे में बात करे। अब इसी चीज को एक्शन में लाने के लिए कोलगेट ने अपनी थ्री वे स्ट्रेटेजी का दूसरा पिलर इस्तेमाल किया। इस दूसरे पिलर को कहा जाता है EBCTA एडवर्टाइजिंग, मतलब कि इमोशन बेस्ड कॉल टू एक्शन एडवर्टाइजिंग। देखो FMCG सेक्टर जो है ना वो एक कंज्यूमर फेसिंग सेक्टर है। यहाँ पर होता ही है कि अगर लोग ब्रांड्स का नाम अपनी आंखों के सामने रेगुलरली नहीं देखेंगे ना तो वो धीरे धीरे ब्रांड को भूल जाएंगे, और खास तौर से तब जब मार्केट में कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो। इसीलिए ये चीज समझने के बाद कोलगेट ने जितने भी एड्स बनाए ना उन सब के अंदर एक कॉल टू एक्शन था, मगर इसके अलावा वो जितने भी सारे के सारे एड्स थे वो सब के सब इमोशनल भी थे। जैसे आपने ये वाला एड देखा होगा, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ये क्या है ना, इस एड को अगर आप बहुत ही ध्यान से स्टडी करोगे तो आपको दिखेगा कि इस एड की जो स्टार्टिंग है वो एक बहुत ही ज्यादा जेनेरिक और बहुत ही मास अपीलिंग क्वेश्चन से करी गई है। वो क्वेश्चन है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो ये सुनकर ना हर बंदा सोचता है कि यार है नहीं है पता नहीं। फिर ये लोग एकदम से अपने इस नमक वाले टूथपेस्ट के एक दो फायदे बताते हैं और जो एंड करते हैं वो भी करते हैं एक स्टेटमेंट के साथ, स्वस्थ मसूड़ों के लिए कोलगेट एक्टिव सॉल्ट टूथपेस्ट। अब देखो यहाँ पे कुछ भी हो, टूथपेस्ट बिके ना बिके ये सब बाद की बातें हैं। यहाँ पे लेकिन जो एक चीज है वो है ये इतना अटपटा सा सवाल कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। अगर आपने ये एड देखी है ना तो ये सवाल आपको आज तक याद होगा। अब ये एड बहुत सक्सेसफुल होता है, सेल्स एकदम से ऊपर बढ़ जाती है, पर फिर से मार्केट में वक्त बदलने लगता है। और इस बार कोलगेट को ये समझ में आता है कि जो एडवर्टाइजमेंट्स है ना वो लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए नहीं होने चाहिए बल्कि ऐसे होने चाहिए जो लोगों को ये बताए कि हमारा ब्रांड कैसे उनकी एक आम लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है। जैसे रिसेंटली उन्होंने इंडिया के अंदर अपने एक कैंपेन लॉन्च किया था जिसका नाम था स्माइल करो और शुरू हो जाओ। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने प्रोडक्ट की कहीं पे भी बात नहीं करी, बट इन्होंने अलग अलग सेक्टर्स के जो हमारे इंडियन हीरोज हैं उनको उठाया और उनके स्ट्रगल को हाईलाइट किया। तो यहाँ पे टूथपेस्ट किसी को याद रहे ना रहे पर ये जो इमोशनल स्टोरी है ये हर किसी को याद रहती है, और इसी स्टोरी के एंड में अपना ब्रांड दिखा दिया तो क्योंकि लोगों को स्टोरी याद है अब जब भी वो कभी भी मार्केट में कहीं जाएंगे और उन्हें कोलगेट दिखेगा ना तो उनको स्टोरी याद आएगी और वहां पर उनके परचेज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे जैसे हम इंडियंस ने कोलगेट को अपनाया ना उसी तरीके से कोलगेट ने भी इंडिया को अपना बना लिया। लेकिन पता है इनमें से कुछ भी नहीं हो पाता अगर कोलगेट अपने इस तीसरे पिलर के ऊपर काम नहीं करता तो, और वो पिलर है इनोवेशन। देखो टाइम के साथ साथ लोगों के टेस्ट और रिक्वायरमेंट्स बदलते रहते हैं और कोई भी ब्रांड जो कि एक लंबी रेस का घोड़ा है वो हमेशा ये समझता है कि उसको वक्त के साथ बदलते रहना बहुत जरूरी है, एंड कोलगेट ने यही किया। हमारे इंडियन मार्केट को समझते हुए उन्होंने भी अपने आप को बहुत तेजी से चेंज किया और अलग अलग वेरिएंट्स लेके आए। जैसे इंडिया में कोलगेट ने देखा कि यहाँ पे लोग नीम को बहुत अच्छा मानते हैं, यहाँ पे लोग चारकोल और नमक के भी बहुत ज्यादा फायदे जानते हैं, तो इन्होंने इन्हीं तीन वेरिएंट्स के अंदर अपने टूथपेस्ट निकाले। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट में प्रीमियम सेगमेंट बढ़ने लगा तो ये लोग टोटल, विजिबल व्हाइट, गम एक्सपर्ट, सेंसिटिव ये अलग अलग वेरिएंट्स भी लेकर आए। इवन जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उन तक को केटर करने के लिए कोलगेट ने अपनी एक डायबिटिक फ्रेंडली रेंज बनाई, और इंडिया में आयुर्वेद पे भी लोग बहुत विश्वास करते हैं इसलिए फिर वो लोग वेद शक्ति वाली रेंज लेकर आए। और इन्हीं सब चीजों के चलते पिछले 21 सालों में जो इंडिया का कोलगेट पैल्मोलिव है ना उसका स्टॉक प्राइस 1300% बढ़ा है। इसलिए आज कोलगेट के कस्टमर्स से लेकर उनके इन्वेस्टर्स तक हर कोई मुस्कुरा रहा है। पर यहाँ पे मेरा आपसे एक बहुत बड़ा सवाल है, जरा बताओ कि टाटा ग्रुप की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी आखिर कौन सी है? एक बार गेस करो। नहीं, TCS नहीं है, जैगुआर लैंड रोवर भी नहीं है, यहाँ तक कि टाइटन भी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कंपनी है जो इस दुनिया का सबसे बोरिंग बिजनेस माना जाता है। पर इस बिजनेस से भी ना टाटा ग्रुप साल के 40,000 करोड़ कमाता है। पर ये सब कुछ हो कैसे पा रहा है और ये कंपनी कौन सी है? अगर ये सारी चीजें डिटेल में समझना चाहते हो ना तो ये राइट वाली वीडियो देख लेना।